चेन्नई में अफगानिस्तान वाला मैच भी नहीं खेलेंगे हम, जो है वो मुंबई में सेमीफाइनल में अगर हम जाते तो हम वो मुंबई वाला सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी ने जो है वो थ्रेट किया पीसीबी को, आईसीसी ने जो है वो पनिश करने का जो है वो सोचा कि पीसीबी को पनिश किया जाए और पीसीबी को दो टोक अल्फाज में जब बताया जाए और बोला जाए कि भाई अगर आपने ये हरकत करने की कोशिश की तो फिर आपके साथ हम दो दो हाथ हो जाएंगे। और एक और बात भी है, और दूसरी बात यह है कि भाईजान अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो पीसीबी सॉरी आईसीसी के पास जब प्लान भी है वो प्लान भी ले आए हैं। अगर नहीं खेलना तो ना खेलो, हमें आपके ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जगह हम जो है नई टीम को ऐड कर लेंगे। अब पीसीबी की नई डिमांड और नए बयान के बाद आईसीसी ने पीसीबी को आंखें दिखा दी। के लिए एक बुरी खबर है, पाकिस्तान के दो मैचेस जिसमें पाकिस्तान टीम की फतह का इम्कान ज्यादा है वो बारिश की नजर होने का इम्कान है। और जो चेन्नई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच था उसकी वजह ना स्पिन विकटें थी ना कि एडवांटेज था जो कि अफगानिस्तान के बॉलर्स को मिल सकता था, बल्कि असल वजह कुछ और थी जो कि अब सामने। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो पीसीबी सॉरी आईसीसी के पास जब प्लान भी है वो प्लान भी ले आए हैं भाईजान, प्लान भी मैदान में आ चुका है। क्योंकि पीसीबी ने ना यकीन करने से बाज नहीं आना, बगैरतियां करने से बंदे ये बाज नहीं आएंगे। जो लोग रातों रात कुर्सी से उतरते हैं ना चेयरमैन की, उधर कुछ भी हो सकता है। उधर भी कुछ रमीज राजा आया रात को 2 बजे कुर्सी उतारा बाहर, नजम सेठी कितना वो चवड़े में आ रहा था किधर गया कुछ पता भी नहीं चला। अब जो नया धक्का अशरफ आया वो नई यकियां लेके आ रहा है जी, पहले तो उस बंदे को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है, फिर उस बंदे को जी अहमदाबाद में नहीं है। अच्छा, और हमारा पाकिस्तानी मीडिया न्यूज चैनल ये चीजें जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, अहमदाबाद में मुस्लिम सेफ नहीं है, मुंबई में मुस्लिम सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, ये गदमाश भी नहीं है। यार आप लोग मुझे कम से कम आप लोग इंडिया में रहते हो ना, लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरा बताइएगा कि मुस्लिम किधर किधर इंडिया में नहीं सेफ। मतलब ये पाकिस्तान में ये अब चीज चल पड़ी है कि अहमदाबाद वाला मैच शफल किया जाए, अहमदाबाद वाला वेन्यू चेंज करवाया जाए, क्योंकि अहमदाबाद में मुस्लिम सेफ नहीं है, उधर मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह हक नहीं दिया जाता, उनके उनको मारपीट की जाती है, ये वाला पाकिस्तान में चीजें हाईलाइट की जा रही हैं। अब आप मैंने जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठ है, आप जो मेरे इंडियन फैंस हैं उन्होंने जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन भाईजान आईसीसी प्लान बी ले आया जो है वो अब मैदान में, अब वो अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करेगा। अगर पाकिस्तान ने मजीद यकी करने की कोशिश की जो कि पीसीबी यकी के ऊपर यकी किया जा रहा है, फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेगा और कर देना बाइकआउट। फिर जो फाइनेंस मॉडल 2024 से 2027 वाला निकला हुआ है ना, जिसमें पीसीबी को आई थिंक 5 बिलियन समथिंग मिलने हैं, उसकी जगह के ऊपर ना एल मिलेगा, एल उंगल मिलेगी, ये वाली वो भी नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल पैनल से आउट कर दिया जाएगा, टीमें फिर वर्ल्ड कप में नो हो जाएंगी, फिर वर्ल्ड कप में टीमें नो हो जाएंगी और पाकिस्तान के जितने भी मैच है वो काट दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है। अब एक और बात पर बात बताता हूँ, हॉकी पाकिस्तान में पता ही नहीं हॉकी का, फुटबॉल पाकिस्तान की टीम ही नहीं है, पता ही नहीं है। बेड़ा अगर फुटबॉल है हम जिस तरह इंडिया से आ रहे हैं, नेपाल हम इंडिया से छोड़ो अच्छी टीम है, नेपाल ने हमें हरा दिया, ये हमारी फुटबॉल की गेम है जी। हॉकी देख लो, और एशिया फाइनल हुआ इंडिया ने हमें लपेटा डाल दिया, ऐसे सिंगल हैंडली मैच लेके वो चले जाते हैं हमसे, और हम लोग मुंह उठा के बैठे रहते हैं। बंदा हमेशा वो कामयाब होता है जिसका कंसंट्रेट अपनी गेम के ऊपर होता है, अपने वर्क के ऊपर फोकस करता है जो। और हमारे ये पीसीबी वाले यकियां पगैरतियां, ये मैच इधर ले जाओ वो मैच उधर ले जाओ, मैंने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलना, ये मतलब क्या तमाश बनी है यार। ये इंडिया ने अपना मैच धर्मशाला में रखा हुआ है न्यूजीलैंड वाला, और धर्मशाला में तो ओवरसीज जो बॉलिंग है ना वो तो तबाही कर देगी, उधर रोस्ट पड़ेगी। और अक्टूबर नवंबर में बड़ी सर्दी होती है यार इंडिया में, आपको पता है एशिया में बड़ी सर्दी पड़ती है, और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया पागल फिर उधर अपना मैच रखा है। मतलब यार ये तमाश भी नहीं है। अगर पीसीबी इस तरह ये किया कर रहा है ना तो कल को फिर दूसरी टीमें भी आएंगी, इंग्लैंड बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, न्यूजीलैंड बोलेगा हमारा भी भाईजान वेन्यू चेंज करो, हम भी ये करें, हम भी वो करें, ये वाली चीजें भाईजान ठीक नहीं आप लोग कर रहे, आप लोग ये चीजें ठीक नहीं कर रहे। अब आईसीसी ने जो पनिश करने का सोचा ना कि हम पीसीबी को अनाउंस हो चुका है, पीसीबी वैसे भी रोज कोई नया बयान दे रहा था, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर जो आप वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस कर दिया कि भाई आपके ड्रामेबाजियां तो चलती रहेंगी लेकिन हमने जो काम करना है, जो हमारा एक्शन है बनता है जो वो हम करेंगे, हम सबसे पहले वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस करेंगे। अब स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, उसके बाद हर रोज कोई नया बयान आता है। पहले पीसीबी ने बोला कि हमने मुंबई में जो है सेमीफाइनल नहीं खेलना, पीसीबी की वो बात मानी गई है, जब वो बात मानी गई है तो आप पीसीबी ने दोबारा से वो अहमदाबाद वाला फटा खोल लिया है कि अभी तक जो है हमने सोचा ही नहीं है कि हमने अहमदाबाद में खेलना है या नहीं खेलना, इसकी वजह यह बताई गई है। अक्सर हमने देखा पाकिस्तान में ये मैसेज दिया जाता है, ये तासुर दिया जाता है पीसीबी की जानिब से, जैसे कि अहमदाबाद में मुस्लिम के साथ अच्छा कोई बर्ताव नहीं होता, इस वजह से जो है वो हमारी टीम जो है अहमदाबाद में नहीं खेलेगी जाके, इनके वैसे ही कोई जो है वो बच्चों वाली सीन है। अब ये चीज नजर आ रही है, आप देखें पहले पीसीबी ने बोला कि हमने जो है वो मुंबई में नहीं खेलना, वो बात मान ली गई है, अब आपने नया जो है वो बहाना शुरू कर दिया, तो यानी कि जैसे वो किसी को भी लड़ाई करनी होती है ना आपसे, तो आप उससे जितनी जान छड़वा रहे होते हैं कि यार
टल ही जाए मेरे सर से, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के अभी हासिल करती है तो बाबर आजम पाकिस्तान के पहले कप्तान बन जाएंगे जो कि वनडे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त देंगे। इससे पहले वो टी20 फॉर्मेट में भारत को शिकस्त देने वाले वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के पहले कप्तान बने हैं, तो अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज हासिल करने का मौका मौजूद है। और पाकिस्तान ने जो आखिरी बार भारत में सीरीज खेली थी 2012 में, उसमें पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि बाबर आजम का हालिया ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वो अपनी 29वीं सालगिरह को यादगार बना सकते हैं। पाक मीडिया का बड़ा बयान, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। जैसा कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन अब एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होने जा रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोल रहा है कि हम भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को बायकॉट करेंगे और सिक्योरिटी प्रॉब्लम का बहाना बना रहा है।